मैं इस समय हूँ अयोध्या में और राम जी की पावन नगरी है अयोध्या, और यहाँ पे हम लोग दत्तक पुत्र की शूटिंग कर रहे हैं जिसके डायरेक्टर हैं प्रमोद शास्त्री जी और प्रोड्यूसर हैं विनोद भैया। मैं किसी का दत्तक पुत्र नहीं बना हूँ, मैं एक्चुअली इसमें एक भोलू का किरदार है जो विलन है वो कर रहा हूँ। रियल में तो मैं क्यूट हुई हूँ लेकिन पर्दे पर विलन। शूटिंग तो बहुत अच्छी चल रही है और फिल्म के डायरेक्टर की बात की जाए तो मैं पहली बार प्रमोद जी के साथ काम कर रहा हूँ और बहुत नाम सुना था इनका, इनकी काफ़ी फिल्में मैंने देखी हुई है, छलिया हो गया और कहो ना प्यार है और यहीं पे, और इन्होंने मिनिमम फिल्में अयोध्या में ही की हुई हैं, यहीं पर की हुई हैं। बहुत अच्छा काम करते हैं ये, इनका काम देख के मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जितना इनका नाम सुना था और काम के मामले में परफेक्ट। मैं विनोद भैया को बधाई देना चाहूँगा क्योंकि मैं खुद भी शुक्रगुजार हूँ उनका कि उन्होंने अपनी फिल्म में मुझे रखा हुआ है, और पिछले काफ़ी टाइम से मैं लगभग नहीं तो 10 सालों से जानता हूँ क्योंकि उनके अवार्ड फंक्शन में मैं आता जाता हूँ, मुझे बुलाया भी जाता है तो मैं आता जाता हूँ। तो और अभी अवार्ड फंक्शन के साथ साथ पहली बार उनके एज एन प्रोड्यूसर में उनकी फिल्म में काम कर रहा हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। भैया के बारे में क्या कहूँ, जितना कहूँगा कम ही है, और मिनिमम फिल्में मैंने उनके साथ एक्सपीरियंस शेयर किए। भैया के साथ काम करने का एक अलग ही वो हो जाता है, मुझे डबल एनर्जी आ जाती है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और शुरू से उन्हीं से सीखता आया हूँ, और उनके बारे में बताने लगूँगा तो मतलब सब कम पड़ जाएगा। जितना उनकी तारीफ करूँ, जितना उनके बारे में कहूँ, सब कम है। बस इतना ही कहूँगा, लव यू ब्रो। अभी आने वाली फिल्में हैं, लालू जी की लव स्टोरी है, और 12 मार्च से अपने मतलब भैया की यश कुमार एंटरटेनमेंट से फिल्में जा रही हैं तो उसमें भी 2 फिल्में कर रहा हूँ मैं, 3 फिल्में कर रहा हूँ मैं। तो बस आने वाली बहुत सारी फिल्में हैं, लाइन से लगी हुई हैं।